हेलो गाइस, कैसे सब लोग। एक चीज़ बतानी थी, कल रात अपनी स्ट्रीम 10:30 बजे बंद हो गई थी क्योंकि यहाँ पे लाइट का इशू हो गया था। बारिश हो रही थी कल यहाँ पे, तो कल हो रही थी तो मैं 12 बजे तक वेट किया था, 12 बजे तक लाइट नहीं आई, इसलिए वो मैंने बाद में एक कॉल किया था जो ऑपरेटर रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हमारी गली में दो पोल जो है वो झुक गए हैं क्योंकि जो पोल के वायर्स रहते हैं उन पे पेड़ गिरा है। तो उन्होंने कहा कि आज सुबह हो जाएगा, तो आज सुबह मैं जिम के लिए निकला था तो हाँ, दो पेड़ नहीं सॉरी दो पोल झुक गए हैं, तो उसकी वजह से लाइट नहीं है। अब शायद उस पोल पे मेरा वाईफाई का भी केबल था तो मुझे नहीं पता उसका भी क्या सीन हो चुका है। मैं अब एयरटेल वालों से बात करके वो भी चेक करवा लेता हूँ कि मेरा वाईफाई का भी एल ना लग चुके हो, तो देखते हैं अभी क्या होता है। लाइट कब आती है उसके रिगार्डिंग आज स्ट्रीम होगी या नहीं वो भी नहीं पता, क्योंकि पूरे के पूरे मतलब टिल्ट हो चुके हैं दो पोल लाइट के, तो वो कैसे कब रिपेयर करते हैं कितना देर लगता है मुझे नहीं पता। फिर भी देखते हैं, जैसे ही लाइट आ जाएगी मैं स्ट्रीम कर लूँगा। दोपहर में लाइट आई तो दोपहर में, नहीं तो रात में तो कर ही देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कब लाइट आती है उसके अकॉर्डिंग। लाइट के बाद भी यार वाईफाई का भी तो सीन है, बैठो फिर देखते हैं जो होता है, मैं करूँगा स्ट्रीम। ठीक है, तो बस यही बताना था। बाय बाय।